प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा मेरे बहुत पुराने साथी भाई समीर आर्या जी, जाति आयोग भाई मुकेश कुमार जी, स्वराज विद्वान जी, पूर्व सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित, अभी जिन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ से अपनी बात रखी, ऐसे मणि मंदिर समिति श्री जयपाल जी, श्री नंदलाल जी, आपाल जी अध्यक्ष मंदिर समिति, श्री ब्रजेश जी, श्री देशराज करणवाल जी, काफी सारे उद्बोधन यहाँ से रखा, श्री पवन जी मंडल अध्यक्ष अनुसूचित एवं समस्त मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित, मेरे सभी सभी बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित, मेरी माताएं बहनें सभी, मेरे नौजवान साथी प्यारे बच्चे उपस्थित, मीडिया के सभी बंधु जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले तो संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी महाराज जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि हम उनका आज यहां पर जन्म जयंती यहां पर मना रहे हैं, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर आज बड़ी विशाल संख्या में मैं देख रहा हूं, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लगातार यहां आवागमन बना हुआ है। संत रविदास जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आप सभी को मैं अपनी ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन जैसा आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बहुत अच्छे से शुरुआत में ही जो है हम सबको बताया कि यह दिन आज ऊंच नीच छुआ छूत भेदभाव को मिटाकर जीवन में सबको साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेने का दिन है। हम सब से कदम मिलाएं, हमारे विचार एक हों, हमारे भाव एक हों, हमारे राष्ट्र हों और हम एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जाएं। ये हमारा संत गुरु हमको ये प्रेरणा देकर गए, जो समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं उनको दूर करके आपस में से एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, आपस में भाईचारे के साथ सच्चे रूप से धर्म के मार्ग पर चलने का यह आज का दिन है जिस दिन को हम याद करते हैं। आखिर हम महापुरुषों को क्यों उनका स्मरण करते हैं, ये भी एक प्रश्न है कि हम महापुरुषों की जयंती प्रत्येक वर्ष क्यों मनाते हैं, उनका स्मरण क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, अपने को लगाया है, तिल तिल जलाया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए बहुत सारा मार्ग वो छोड़कर गए हैं। भाइयों बहनों, संत रविदास जी सामाजिक समरसता और सद्भाव के मानवतावादी जो मूल्य थे उनके पुरोधा थे, उन्होंने हमको ये एक रास्ता दिया, उन्होंने जो समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में आज से 650 वर्ष पूर्व लगभग उन्होंने उन सब कुरीतियों को दूर करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए हम आज भी उनको याद करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत का इतिहास रहा है कि जब भी देश को कोई जरूरत पड़ी है, जरूरत हुई है या आवश्यकता महसूस हुई है तो किसी न किसी रूप में महापुरुषों ने, संतों ने हमारे देश के अंदर अपना जन्म लिया है। और संत रविदास जी ने भी उस आंदोलन के, वो महान संत